हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में फ्रेंड हम देखेंगे जो भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। तो इसमें फ्रेंड हम देखेंगे कि कौन हमारे लोग जीत रहे हैं, कहां कहां से हमारे लोग खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको फ्रेंड, जो हमारी कम्युनिटी के गद्दी गडेरिया शेफर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो उत्तराखंड, यूपी और गोवा, मात्र इन 3 राज्यों से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई ना कोई बंदा इनसे यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और रही बात पंजाब की और मणिपुर की, तो वहाँ पर पंजाब में हमारी कम्युनिटी ना के बराबर है ही नहीं, ये समझ लीजिए आप। और मणिपुर में तो बिल्कुल है ही नहीं, वहाँ कोई जानता नहीं है गडरिया, धनगर, पाल, कुरुबा, ये सब कौन होते हैं। तो फ्रेंड वहाँ पर हमारी कम्युनिटी है नहीं। तो फ्रेंड जहाँ पर हमारी कम्युनिटी है वहाँ से कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन 3 राज्यों से लड़ रहे हैं, उत्तराखंड, यूपी और गोवा। तो फ्रेंड गद्दी गदेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो को फ्रेंड देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड देखिए, वैसे हर किसी का एम होता है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं जीत जाऊं और मैं विनर कहलाऊं। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि फ्रेंड देखिए, जो उत्तराखंड में है ये ओमपाल सिंह पाल जी हैं, ये उत्तराखंड से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बसपा पार्टी से हैं, बहुजन समाज पार्टी, और ये 26 रानीपुर हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, वैसे तो हमारी उत्तराखंड में बहुत ना के बराबर जनसंख्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम 3 राज्यों में, उत्तराखंड के 13 में से 3 जिलों में पाए जाते हैं, देहरादून का जो तराई क्षेत्र है उसमें, हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में। तो फ्रेंड देखिए, ओमपाल सिंह पाल कोई पहले ऐसे कैंडिडेट हैं पूरे उत्तराखंड से जिसको किसी राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिला है या किसी बड़ी पार्टी से टिकट मिला है। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो बहुजन समाज पार्टी है ये नेशनल पार्टी है। तो फ्रेंड देखिए, किसी बड़ी पार्टी से अगर इतने सालों में उत्तराखंड से किसी को टिकट मिला है तो ओमपाल सिंह पाल जी को मिला है। और फ्रेंड मैं आपको एक अफसोस की बात बताता हूँ फ्रेंड, देखिए इनके जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये तीसरे चौथी पोजीशन पर रह सकते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट बात आती है गोवा की। तो फ्रेंड देखिए, गोवा में चंद्रकांत बाबू कावलेकर जी हैं जो पिछले 4 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, और मौजूदा सरकार में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं गोवा के। तो फ्रेंड ये क्वायपम सीट से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से, तो इनके जीतने के चांसेस फ्रेंड 100% हैं, ये जीत रहे हैं, यही समझिए आप। तो फ्रेंड देखिए, मैं पहले अगर किसी बंदे को बोल रहा हूँ कि कोई जीत रहा है इस वीडियो में, तो फ्रेंड वो गोवा से चंद्रकांत बाबू कावलेकर जी हैं जो जीत रहे हैं। और उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। तो देखिए फ्रेंड, वैसे तो यहाँ पर बहुत से लोग लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन फ्रेंड मैं आपको सिर्फ उन लोगों के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो जीतने के चांसेस हैं इनके ज़्यादा। तो फ्रेंड सबसे पहला नाम आता है प्रेमपाल सिंह धनगर का, ये टुंडला से चुनाव लड़ रहे हैं, टुंडला फिरोजाबाद जिले में आता है, और ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड ये जीते पड़े हैं, आप इनको मेरे से लिखवा लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये जीत रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अजीत सिंह पाल ये सिकंदरा से लड़ रहे हैं फ्रेंड, तो इनके भी जीतने के चांसेस फ्रेंड देखिए, थोड़ा सा इनके जो चुनाव में जो गड़बड़ी हो गई थी वो ये हो गई थी गड़बड़ी, जो शुभम पाल हैं वो यहाँ से लड़ गए थे, उन्होंने काफ़ी वोट काट लिए, लेकिन फ्रेंड बीजेपी से लड़ रहे हैं तो इन पर कोई खास सेहत पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अजीत सिंह पाल भी एक तरीके से मान के चलिए कि ये 80% तो जीत रहे हैं, 20% मैं कह नहीं सकता इनको। तो ये 2 नाम तो मैंने आपको फ्रेंड गिना दिए जो जीत रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अनिल पाल तिवरा से हैं, ये समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, इनके भी जीतने के चांसेस हैं ज़्यादा, लेकिन इनके चांसेस मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड 50-50% हैं, या तो ये जीत जाएंगे या दूसरे नंबर पे रहेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, सुभाष पाल बिलग्राम मल्लावा हरदोई जिले से लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड हमने देखा कि जिस सीट बिलग्राम मल्लावा सीट से बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो फ्रेंड उनमें सबसे यूनिक जो निकल कर आए हैं वो सुभाष पाल जी हैं, और जो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कोई रैली हुई है 2022 के चुनाव में तो वो सुभाष पाल जी की थी। प्रियंका गांधी भी खुश हुई थी कि इतनी बड़ी जो भीड़ है वो मैंने सर बिलग्राम मल्लावा में सुभाष पाल के लिए देखी है। तो इनके भी फ्रेंड जीतने के चांसेस लग रहे हैं, 50-50% मानिए, या तो फर्स्ट पोजीशन पर रहेंगे या सेकंड पे। और फ्रेंड आखिरी नाम आता है इस वीडियो का राकेश बघेल का, जो कि ऐतमादपुर सीट से, आगरा की ये सीट है, इससे चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, बसपा पार्टी से। तो फ्रेंड इनके भी चांस जीतने के हैं, तो फ्रेंड या तो ये जीत जाएंगे या दूसरे नंबर पर रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड जितने भी तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे हार रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये 5 लोग हैं जिनके जीतने के चांसेस हैं। और फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ अपना अंदाज़ा बता रहा हूं, देखिए फ्रेंड हमारे कम से कम तो 1 लोग जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश से, प्रेमपाल सिंह धनगर, और मैक्सिमम हमारे 3 से 4 लोग जीत सकते हैं, ठीक है फ्रेंड।
तो मैं तो वैसे अपना स्टॉप 3 पर कर रहा हूँ, मुझे तो 3 ही लोग लग रहे हैं जीतने के, लेकिन फ्रेंड आप उसमें एक प्लस और कर लीजिएगा अपनी तरफ से। मैं 3 का 6 नहीं बोलूँगा, दुगना करके नहीं बोलूँगा, मैं आपको 3 से 4 बोल सकता हूँ। तो हमारे फ्रेंड 3 से 4 लोग जीत रहे हैं चुनाव में, ठीक है। ये भी मैंने फ्रेंड बहुत ज़्यादा बता दिए, लेकिन आप मेरे मानिए कम से कम मैंने जो प्रेडिक्ट किया है वो 1 लोग जीत रहे हैं, प्रेमपाल सिंह धनगर उत्तर प्रदेश से, और मैक्सिमम फ्रेंड यहाँ से 3 लोग जीत सकते हैं। आप 3 लोग मान के चलिए मेरी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग, और फ्रेंड मेरी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग 3 लोग जीत रहे हैं, और कोई एक आध और जीत जाए तो फ्रेंड वैसे तो देखिए मैंने जो मैंने दाव जो खेला है इस पर ये मान के चलिए मैं 5 लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड इसमें से 4 लोग ही जीतेंगे मैक्सिमम, और मिनिमम 1 जीतेगा। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है 3 से 4 लोग जीत रहे हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 लोग तो जीत ही रहा है। तो ये मेरी भविष्यवाणी आप भी प्रेडिक्ट करके देखिएगा। बहुत से लोग अभी शेफर्ड कम्युनिटी के हैं, गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के हैं, वो तो सारे लोगों को जिता रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे लोगों को भी जिता रहे हैं जो जैसे एतमादपुर से 2 लोग खड़े हुए हैं तो दोनों को जिता रहे हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स है वो पता नहीं क्या सोचते हैं, दिमाग लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे। तो फ्रेंड मैंने तो ये चीज़ बताया है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, और 3 से 4 भी हो सकते हैं, ये मेरा प्रेडिक्ट है। तो फ्रेंड और तो बाकी जो होगा वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, 11 तारीख में सारी चीज़ खुल जाएगी। आज काउंटिंग चल रही है, कुछ सीटों का आज पता चल जाएगा, कुछ का कल पता चलेगा। तो फ्रेंड ये सब जो है, तो फ्रेंड ये हम मैंने प्रेडिक्ट किया है हमारी कंडीशन को देखते हुए, हमारी जनसंख्या को देखते हुए। उत्तर प्रदेश में हम 2% के करीब हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए हमारी जनसंख्या बहुत कम है, हमें अपनी जो हमारे ज़्यादातर जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है सब लोग हमें वोट दे देंगे, जनसंख्या हमारी है नहीं तो हम जीत नहीं पाते। तो हमें अपने फ्रेंड जनसंख्या को ना देख करके अपने आप का अपना आपा देखना होगा, अपना आत्म कॉन्फिडेंस देखना होगा, हमें दूसरे लोगों में जाके बैठना होगा, उनसे कैसे आकर्षित करना है वो करना होगा, जब भी हम आगे भविष्य में 5 से 7 विधायक बना पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।